इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिश क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। ओम ह्रीम श्लीम क्लीम ऐं मरुम बम झम झम झीम झीम छुविम छुविम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नवरते भगवती श्रीमती ओम ह्रीम गुरुम बम बम घंटे घंटे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ओम नवरते भगवती श्रीमती श्रीमद सांदना जी गोथना जी रैना जी तीतंगराई श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेज मोती ब्रह्मा मंडन मंडताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुष्ट सहिताई समूषण केवल लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दोष रहताई चौचौतान संयुक्ताई परमेश पवित्राई माकम असीम कालीन विधान करता परिवार शांति धरा करता परिवार छोटी भाई जी पवन जी मीना जी विशाल जी पलक जी विकास जी रोशनी जी अरहम जी अरहंत जी अनोखी जी बंडावाला परिवार अंकुल करौली सागर सापरिवार समंगल भवतो महेश चंद जी उषा जी अंकित जी भावना जी सम्यक जी सिद्धि जी गाजियाबाद वाला परिवार अंकित जी जैन जन्म दिवस सुअवसरे समस्त गाजियाबाद परिवार सापरिवार समंगल भवतो विधान करता परिवार चतुराबाई जी सनत जी महेन जी लता जी पीलू जी आकांक्षा जी शीतल चंद जी अंजना जी शैलन जी बिट्टू जी मिनी जी समस्त ईश्वर वाला इंदौर वाला परिवार सागर वाला परिवार सापरिवार मंगल भूतो मोनालाल जी बगरा जी स्वस्थवर्थम शीतल चंद जी महेन जी राजकुमारी जी प्रियंक जी निहाली जी मयंक जी सानू जी सरिता जी सुचि जी मयूर जी स्वामी जी अति जी समस्त गेहूं वाला परिवार विजय टोकी रोड सागर सापरिवार सनमति जी मीना जी शशांक जी दीक्षा जी तान्या जी जैन चश्मागर वाला परिवार विद्यासागर कॉलोनी सागर सापरिवार परेश जी पयोजी स्वास्थ्यवर्धम समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो संपूजिकानम प्रतिपालिकानम यतीन्द्र सामन तपोधनानम तीसस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र ओम ह्रीम देवदे महानसकारी साधन जिनेन्द्रय नरपद प्राप्ते रघम नरपापति स्वाहा ओम ह्रीम दायता भजलोदर दुष्कुट संधि पाता दी सकल लोग रहे क्रोम महावीजक चसैदय देवज देवसी साधन जिनेन्द्रय अनर्घ पद प्राप्त रघम नरपापति स्वाहा। आज के विधान करता परिवार श्रीमती छोटी भाई जी पवन जी मीना जी विशाल जी पलक जी विकास जी रोशनी जी अरहम जी अनोखी जी अरहम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बंडा वाला परिवार अंकुर कॉलोनी सागर बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपके लिए चांदी का नंध्यावत मुद्रा प्रदान किया जा रहा है अरहम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। सभी का जीवन मंगलमय हो आरोग्यमय हो धननानमय हो यही भगवान से भावना बाते हैं। घर में बाड़े दाम दोनों हाथ लीजिए यही से आनो काम। अगर नाव में पानी बढ़ रहा है उसको हम खाली नहीं करेंगे वह नाव डूब जाएगी। और घर में धन संपदा बढ़ रही है अगर हम दान आदि नहीं देंगे उसका त्याग नहीं करेंगे तो वह हमारा अनंत संसार में ले जाने वाला होगा। जो दान नहीं देते ना स्वयं वो करते हैं लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। लोभी का धन या तो सरकार में चला जाता है या उसका नाश हो जाता है। धन की तीन ही गति होती है दान भोग और नाश। या तो दान करें या भोग करें और अब भोग भी नहीं करते तो उसका अपने आप नाश हो जाता है। बहुत सारे श्रावक कहते हैं वो पूज्य गुरुदेव सुदासागर जी महाराज के पास बड़े बड़े लोग ही जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं क्या वो हमेशा से बड़े रहे हैं? नहीं। वो पूज्य गुरुदेव सुदासागर महाराज जी के पास जो जाते हैं वो अपने आप बड़े हो जाते हैं अपने आप पैसे वाले हो जाते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के पास जो जाते हैं सबसे ज्यादा दान वो देते हैं और दान देते देते अपने आप बड़े हो जाते हैं अपने आप पैसे वाले हो जाते हैं। इसलिए मित्रों त्याग का दिन है त्यागियों का दिन है त्याग करने का दिन है। आज हमें गर्व है हमारी जैन समाज पर। हमारी जैन समाज सबसे ज्यादा गौशालाएं आज चलाती है तो आज जैन समाज चला रही है। हजारों हजारों गौशालाएं जैन समाज अपने पैसे से चला रही है। जैन समाज किसी से सहायता नहीं लेती। हजारों हजारों स्कूल हजारों हजारों हॉस्पिटल आज जैन समाज अपनी खुद स्वयं राशि से चला रही है। गौशालाएं हॉस्पिटल स्कूल और अपने मंदिर जैन समाज खुद बनवाती है। जैन समाज कभी किसी से पैसा नहीं लेती ना सरकार का धन लेती है ना किसी समाज का धन लेती है। जैन समाज खुद स्वयं अपनी धन राशि से मंदिरों को बना रही है।
खुद अपनी धनराशि से मंदिरों की रक्षा कर रही है। हम किसी की सहायता लिए बनाई देश को, इतना सब करने के बाद भी हम 24% टैक्स उल्टा सरकार को देते हैं। हमने सरकार से कभी नहीं चाहा, लेकिन सरकार को हमेशा दिया है। आज जेनियों का 24% टैक्स सरकार के लिए जा रहा है। आज देश के विकास में 24% हिस्सेदारी जेनियों की है। बहुत सारे श्रावक बोलते हैं मंदिर जब बनते हैं तो मंदिर पर बोलते हैं इतने सारे मंदिर बन रहे हैं क्या होगा। हमारा सोच तो यह है मंदिर भी बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, स्कूल भी बनना चाहिए, गौशालाएं भी बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए। यही हमारे पूज्य गुरुदेव सुदासागर जी गुरुदेव का सोच है। इसी सोच को लेकर वह मंदिर भी बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं, गौशालाएं भी बनवा रहे हैं, स्कूल भी बनवा रहे हैं, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वीर अकबर ने कहा बीरबल से, क्यों बीरबल हमारी गद्दी में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा आप राजा हैं, हम मंत्री हैं, आप हमें दान देते रहते हैं, इसलिए आपके देते देते गद्दी में बाल नहीं है। अकबर ने कहा हमारा तो हमें समझ में आ गया, अब तुम्हारी गद्दी में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा राजा आप देते हैं, हम मंत्री हैं, हम लेते रहते हैं, इसलिए हमारी गद्दी में बाल नहीं है। अकबर ने कहा ठीक है, हम देते हैं इसलिए हमारी गद्दी में बाल नहीं है, आप देते हो इसलिए आपकी गद्दी में बाल नहीं है, लेकिन जो सामने जो बैठे हैं इनकी गद्दी में बाल क्यों नहीं है? अकबर कहते हैं राजा आप देते हैं, हम लेते हैं, इसलिए हमारी गद्दी में बाल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हाथ मलते रहते हैं इसलिए उनकी गद्दी में बाल नहीं है। मित्रों हमारा सभी से कहना है हमें हाथ मलने वाला नहीं बनना, देने वाला दे रहा है, बनाने वाला बना रहा है, बनवाने वाला बनवा रहा है, और हमारे जिनारे बन रहे हैं, तो क्यों अपने हम हाथ मल मल के अपने भावों को खराब करें? मित्रों उसकी अनुमोदना करेंगे तो पुण्य लगेगा। हमारा तो सबसे कहना है अगर आप उसको रोकोगे या दान देने वाला रुकेगा कभी? नहीं रुकेगा। जिसको जिस क्षेत्र में दान देना है वह दान देगा ही देगा। जिसको स्कूल में दान देना है वो स्कूल में दान देगा। जिसको हॉस्पिटल में दान देना है वो हॉस्पिटल में दान देगा। जिसको मंदिरों में दान देना है वो मंदिरों में दान देगा। हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, ना कोई कोई रुकने वाला है किसी के रोकने से। इसलिए हमारा तो यह कहना है हम उसकी अनुमोदना करें। जो जिस क्षेत्र में दे रहा है दान हमारे लिए सराहनीय है, उसकी हम अनुमोदना करें। इसलिए जो क्षेत्र में जो कुछ दान दे रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, हम उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। अच्छा है, आप स्कूल में देना चाहें आप स्कूल में दें, आप हॉस्पिटल में दान देना चाहें आप हॉस्पिटल में दें, आप मंदिर में दान देना चाहें आप मंदिर में दें, आप गौशाला में दान देना चाहें आप गौशाला में दें। हम तो उसकी अनुमोदना करेंगे और अनुमोदना का पुण्य कमाएंगे। एक व्यक्ति घी की चोरी कर रहा था, सामने एक बालक देख रहा था और वो कहता है घी की चोरी जैसी हुई तो वह कहता है घितम चोरम घितम चोरम घितम चोरम। जो चोरी कर रहा था उसने कहा ना कर चोरम आधा तोरम आधा मोरम। मित्रों ऐसे भी हमें नहीं बनना। अगर हमें कोई चोरी कर रहा है तो उसमें हमें शामिल नहीं होना, चाहे मंदिर का हो चाहे समाज का हो, इसमें हमें निष्पक्ष होकर निर्णय देना है। और एक और हमने संस्मरण सुना था पूज्य गुरुदेव के मुख से, एक व्यक्ति एक गड्ढा था, गड्ढे में गिर गया, पूरा गांव उसको निकालने के लिए आ रहा है, लेकिन वह व्यक्ति निकल नहीं पा रहा था। तब एक और समझदार व्यक्ति था जो उस व्यक्ति को जानता था, उसने कहा उस व्यक्ति को हम निकाल देंगे। तो लोगों से कहा कैसे निकलेगा? तो उन्होंने कहा हम वहीं जाकर आपको बताते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति गड्ढे के पास पहुंचा तो लोगों से पूछा आप उस व्यक्ति को गड्ढे में से कैसे निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इस व्यक्ति से कहते हैं हाथ दे तो ये हाथ नहीं देता, बार बार बोलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति को निकालने आए थे उन्होंने कहा ये देने के नाम पर मर जाएगा लेकिन हाथ भी नहीं देगा, ये ऐसा व्यक्ति है, इससे तो ये बोलो हाथ डाल के बोलो हाथ ले। जैसे ही हाथ डाला होगा हाथ ले, और उस व्यक्ति ने हाथ लिया वो गड्ढे में से बाहर निकाल लिया। मित्रों कई कई लोग इतने कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, ना तो वे स्वयं उपवेक कर पाते हैं ना दान देते हैं, ऐसे व्यक्तियों का धन नाश हो जाता है। हमें उत्तम त्याग धर्म सिखा रहा है, अभी भी समय है हम लोगों के पास, जिसका जो निकल गया तो निकल गया, जो संभल गया तो अभी भी संभल सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यांशक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।